हेलो दोस्तों, आज का हमारा स्पोकन इंग्लिश का क्लास 3rd है और आज का टॉपिक है प्रैक्टिस। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे और आज की प्रैक्टिस हमारी आखिरी प्रैक्टिस होगी, हमारी होगी, आपकी नहीं। आपको तो साल में जितने दिन होते हैं उसमें से हर घंटे आपको प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। तो चलो दोस्तों, हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी होता है ये जानते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो काम वाला सेंटेंस था उसमें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर टेंस का यूज होता है, लेकिन दोस्तों जो नाकाम वाले सेंटेंस होते हैं उसमें किसका यूज होता है, तो मैं आपको बताऊँ, उसमें यूज होता हैव का और बी का। तो दोस्तों, हैव का मतलब होता है पास होना, किसी चीज़ के पास, किसी कोई भी चीज़ पास है तो वहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ पेन, आई हैव अ गर्ल, मतलब कोई भी चीज़ आप के पास है तो आप हैव का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप आई हैव अ गर्ल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, ये सब एग्जाम्पल सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि हैव का क्या यूज होता है। अब दोस्तों आते हैं कि देखते हैं कि बी का क्या यूज होता है। बी का मतलब होता है होना। अब जैसे एग्जाम्पल, बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, बी गुड, अच्छा होना, बी अ टीचर, टीचर होना, बी अ डॉक्टर, डॉक्टर होना। तो दोस्तों आप बी का भी इस्तेमाल समझ गए होंगे। आप दोस्तों जानते हैं कि आई एन जी लगाकर बी का यूज कैसे किया जाता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया कि कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा मतलब आई एन जी लगाने पर। तो चलो देखते हैं आई एन जी लगाने पर बी का क्या इस्तेमाल होता है। दोस्तों बी के साथ आई एन जी लगाने पर हो जाएगा बींग। बींग का मतलब होता है होते हुए, जैसे ईमानदार होते हुए बींग ऑनेस्ट, दोस्त होते हुए बींग अ फ्रेंड, टीचर होते हुए बींग अ टीचर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप बींग का भी यूज सीख लिए होंगे। तो दोस्तों बींग का एक और यूज होता है पैसिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस तो एडवांस है, इसको हम बाद में सीखेंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान जब छलांग मारता है तो गिर जाता है, तो हमें गिरना नहीं, हमें तो उड़ना है। तो उड़ने के लिए इसको हम बाद में सीखेंगे दोस्तों। और जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिस, आपको इसी सारी चीज़ों पर करनी है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बी का यूज हमने तो सीखा, लेकिन उसी का एक भाई है जो जिसका नाम है बीन। इसका मतलब होता है हो चुका, जो चीज़ हो चुका वहाँ पर हम बीन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आगे का हम सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि आगे हम क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमने तो ये जान लिया कि बी का मतलब होता है होना, लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ मैं खुश हूँ तो मैं इसको इंग्लिश में कह सकता हूँ क्या, आई बी हैप्पी? नहीं दोस्तों, एक गलत हो जाएगा। इसी की कमी को पूरा करने के लिए बी ने तीन लोगों को पैदा कर दिया। वो तीन लोग कौन हैं? वो तीन लोग हैं इज, एम, आर। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अब सेंटेंस अगर मुझे बनाना है, मैं खुश हूँ, तो ये सेंटेंस को बनाने के लिए अब ईजी हो जाएगा। अब ये सेंटेंस बनेगा आई एम हैप्पी। तो दोस्तों अगर आप को इस वीडियो को देख करके कुछ जानने और सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपने आजू बाजू वालों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से मोहब्बत बढ़ती है। तो वीडियो को शेयर करें और मोहब्बत बढ़ाएँ और प्यार अपने अंदर लाएँ। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। इस एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, तो अगले एपिसोड का इंतज़ार आपको ज़्यादा नहीं करना होगा, आपको अगला एपिसोड जल्द ही मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों।